तो हमारे घर पे आए मेहमान सिस्टर मेरी, तो उसके लिए ये कोक और ये लेज नीमको वगैरह मैं डाल के दे रही हूँ। तो सुबह का समी को भेज के काम करके तो मैं सो गई थी, अभी इन्होंने आके दरवाज़ा जो है ना बजाया तो मैं उठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे आप सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारे देखने वाले जहां भी रहें तो मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। 1 घंटा पहले उठी हूँ सो के, समीउल्लाह को स्कूल भेज के उसके बाद मैंने काम खत्म किया, और खत्म करके काम तो मैं जो है सो गई। नाश्ता भी नहीं किया मैंने, तो अभी दोपहर लंच और नाश्ता एक साथ ही हो जाएगा। देखिए ब्लैकेट अभी इधर ही पड़ा हुआ है तो मैंने उठाया ही नहीं है, तो अभी उठाती हूँ इसको भी। ये अभी दोपहर का टाइम हो गया, मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में क्या बनाने लगी हूँ, लोबिया। तो कल मैंने बैठ के अम्मी के घर पे ले गई थी तो वहीं पे बैठ के मैंने बना लिया था, तो बना हुआ पड़ा हुआ है। बस आलू लोबिया बनाऊंगी, तो आलू काटूंगी और सब्ज मसाला, तो बाकी तो सब हुआ है। तो देखते हैं, गैस आ गई है, 11:30 का टाइम हो रहा है, देखते हैं गैस आ गई है तो फिर जो है ना अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी रेसिपी बनाते हैं। जी तो अब मैंने अपना सारा सेटअप यहाँ पे लगा लिया है, तो अब हम बनाएंगे खाना, अपनी रेसिपी जो बनानी है। तो ये मैंने रख दिए हैं जो है ना लोबिया, ये देखें पानी में डाल दिया है इसको, ये फ्रिज से मैंने निकाला है तो इसको पानी में डाल के तो अब मैं ना इसको चूल्हे पे रखने वाली हूँ। थोड़ा सा उबॉइल करेंगे क्योंकि ये ना पहले का भी 1-2 दिन का फ्रिज में पड़ा हुआ था, फिर जब मैंने दाने निकाले तो तब भी कल का जो है ना फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा बॉइल कर लेंगे। तो इसका चूल्हा जला देते हैं, गैस हमारी आ गई है तो चूल्हा जला देते हैं। मैं आलू भी काटना है, अभी सब्ज मसाला भी काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले प्याज मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ, वो ब्राउन हो जाएगा तब तक मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूंगी और साथ में टमाटर भी काट लूंगी। पहले गैस जो है ना 12 बजे आती थी, तो अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने 1-2 दिन हुआ है खाना नहीं बनाया, अम्मी के घर पे ही होती हूँ तो वहीं पे खा लेते हैं। तो अम्मी ने कल मुझे बताया, हम खाना बनाने लगे तो अम्मी ने बताया, मैंने कहा अभी तो गैस नहीं आई होगी, अम्मी ने फिर बताया कि गैस जो है ना अब 11:30 बजे तक आ जाती है, तो जाती किस टाइम पे है वो तो 2 बजे चली जाती है, कल 2 बजे चली गई थी। पहले इसको मैं इसी में काटती हूँ, धो के फिर डालती हूँ। आंखों में लग रहा है प्यास, इसका भी चूल्हा जला देते हैं। आज कोई भी वीडियो जो है ना बनाने वाला नहीं है, ना समीर ना ना समीर ला के बाबा, तो मैंने जो नेट पे लगा के मोबाइल तो भी बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं समीर ला के बाबा भी नहीं अभी आए, तो मैंने कहा सोचा कि चले मैं आज खुद ही बना लेती हूँ। तो अब मैंने ऑयल डाल के कढ़ाई में तो प्याज डाल दिया है, इसको ब्राउन होने देते हैं, उतनी देर में अपना बाकी की चीजें जो है ना काट लेते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने आँच जो है हल्की कर दी। और काट रही हूँ प्याज, हल्की सी ब्राउन हो गई है, अब इसके अंदर हम टमाटर काट के डाल देते हैं। पहले कुछ नहीं काट के रखा, साथ साथ काट रही हूँ, साथ साथ डाल। जब भी आपको जल्दी हो ना या फिर आपको लेट हो रहा हो, साथ साथ काटते रहे, साथ साथ जो है ना पकाते रहे, बना लेते हैं। 2-3 दिन से तो वैसे भी अम्मी के घर पे थी तो खाना घर पे बनाया ही नहीं था, अम्मी के घर पे ही बनाते थे, वहीं सभी मिलके खा लेते थे। तो आज मैंने कहा नहीं, सभी लाके बाबा रात को मेरे गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे अपने घर आप क्यों नहीं खाना बना रहे हो, अपने घर बनाया करें, अपने घर पे खाया करेंगे, उनको ना खाना अपने घर का अच्छा लगता है। अब इसको पीस लेती हूँ, मैंने काट लिया है तो अब पीस लेते हैं। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, और किसी की ना शादी है जहाँ मोहल्ले में तो ढोल बज रहे हैं तो आपने उसको जो है ना इग्नोर करना है और मेरी वीडियो पे ध्यान देना है। वैसे भी आज जुमे का दिन है
तो मेरी तरफ से सबको जुमातुल मुबारक हो। और फिर बाद में मैंने इस वजह से भी मैं जल्दी वीडियो बना रही हूँ, कुछ गैस की वजह से, कुछ इस वजह से कि फिर जो है ना जुमे का टाइम हो जाएगा, फिर जुमे की नमाज शुरू हो जाएगी, फिर हमारे मेरे साथ ही बिल्कुल साथ ही जो है ना मस्जिद है, तो फिर मौलवी नात पढ़ने लग जाता है या वो मसले करने लग जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा उस दौरान वीडियो बनाए। या फिर हम अपने भी नमाज की तैयारी करनी होती है, समी अल्लाह को भी तैयार करके मस्जिद में नमाज के लिए भेजना होता है, खाना बनाऊ उस टाइम पे, तो फिर उन पे तवज्जो नहीं दे पाती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है ना वीडियो बना लेते हैं पहले, और खाना भी बना लेते हैं, दोनों काम साथ ही कर लेते हैं। लहसुन और मिर्ची का, सबत मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर अब डाल दिया। अब इसके अंदर जो है ना हम कुशन मसाले डाल देते हैं, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच नमक डाल देते हैं। वो अपने जायके के हिसाब से आप जो है ना डाल दिया करें मसाले, कुशन जो है जितना जितना आपने मतलब मिर्ची कोई ज्यादा पसंद करता है वो कम अपने हिसाब से डाल दिया करें। तो मैं डेढ़ चम्मच मिर्ची का भी डालूंगी। इसके बाद ये पिसा हुआ गर्म मसाला और पिसा हुआ धनिया पड़ा हुआ है, तो ये बाद में डालें, सब्जी हमारी पक जाएगी तो सब मैं डालूंगी। तो अब इसको थोड़ी देर जो है भून देते हैं, ये मैं कचरा फेंक देती हूँ और ये सब्ज मसाला भी फ्रिज में रख देते हैं हम। तो ये देखे लोबिया मैं निकाल के ले आई हूँ, उबल गया था, तो अब इसको मैं पानी इसका छान के तो इसको ले आई हूँ। अब मैं इसके अंदर मसाला हमारा जो है ना भून चुका है, तो खुशक मसाले भी हमारे भून चुके हैं, तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है मसाले का भी। तो साथ में अब लोबिया डाल दिए, तो मैंने आलू भी डाले और लोबिया और आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह थोड़ी देर पका लिया। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, अब इसकी आंच जो है ना हल्की कर दूंगी, जब पक जाती है तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। जी तो ये वाला स्टैंड है जिस पे मैं लगा के वीडियो बना रही थी, अभी जो है ना मेरे से ये सही तरह से सेट नहीं होता, आया तो कितने दिनों का पड़ा है लेकिन ये मेरे से जो है ना सेट नहीं होता, इस पे मुझे इजी नहीं लगता वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं खुद ही बना लेती हूँ या फिर समीउल्लाह के बाबा या समीउल्लाह बना देते हैं। तो अभी समीउल्लाह के बाबा इसको ठीक कर रहे हैं, तो ये बस मुझसे तो ये जो है ना आप कुछ ना पूछें, ये खिलरता फुलरता ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम भाई YouTube फैमिली, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। तो ये स्टैंड मैंने भी सही कर दिया, इसका लेवल भी बराबर कर दिया। गली में ना पौधे बेचने वाला आया है और समीउल्लाह के बाबा मुझे कह रहे हैं कि पौधा लेना है आपने तो ले लें, कड़ी पत्ते का अकेला पौधा है तो वो पता नहीं इस वजह से सही तरह से चलता नहीं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना, पसंद है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके फूल टूटे हुए वजनी है ना, देख लेते हैं छोटे जिसके फूल हो ना वो लेते हैं, वजनी है ना इस वजह से। समीउल्लाह के बाबा की बाइक ये यहाँ खड़ी है और वो लेने गए हैं पौधा कोई, और उसका ना फूल बहुत वजनी थे तो वो टूटी हुई है ना उनकी डंडियाँ, ये भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह ना। ये मौसम क्या होते हैं ना, ये मौसम इसकी खत्म होगी तो ये खत्म हो जाएंगे, वो भी सही हो जाएगा। चले ये कितने का दे रहे हैं पता नहीं, पूछता पूछे कितने का दे रहे हैं, ये दिखा ले जो हाथ न्याजबो का, न्याजबो का भी है वो देखे उसके पास है तो वो न्याजबो का, दोनों ही ले लेते हैं, न्याजबो का भी और ये भी, और ये वाला ज्यादा नहीं अच्छा, ये वाला दोनों रख लो। चलो ना मुझे प्लांट का शौक है लेकिन क्या करूँ, अपना घर हो ना तो प्लांट भी जो है ना अच्छा लगता है, फिर उठा के जब दूसरी जगह पे जाना पड़ता है तो सामान ही बहुत मुश्किल से उठाया जाता है, तो ये वाली चीज़ें जो है ना टूट जाती हैं। उसका गमले इतने छोटे छोटे हैं और पौधे इतने बड़े बड़े हैं उसके अंदर, ये छोटा नहीं है। ये देखें कड़ी पत्ते का पौधा है मेरे पास और एक ही है, तो इसका ये देखें ऊपर से ना इसके ये वाले ना पत्तों को क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आता, अभी आ गया स्कूल से। बाबा जी इससे अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बाबा जी इससे अच्छा माल्टे का ले लो, माल्टे खाएंगे। माल्टे वो ना अम्मी के घर पे लगा हुआ था, तो वो जमीन में लगा हुआ था ना तो तब उस पे लगते थे, तो फिर ऐसे वो बेटा उसमें गमले में तो नहीं चलेगा ना मेरे शहजादे बेटे, वो बड़ा होता है फिर गमले में तो नहीं ऐसे चलेगा। ये क्या आपने हाथ में क्यों पकड़ी हुई है कॉपी,
चलो मेरा बेटा आ जाओ। ओ मेरा शहजादा बेटा स्कूल से आ गया। रखने के लिए अच्छे लग रहे हैं। चले आ जाओ, हमने रखने हैं। देखते हैं ना, अभी बाबा ले रहे हैं क्या लेना, फिर वो एक ही ले लें। हमने ये देखे माशाल्लाह पौधे ले लिए सारे, तो मल्ला के भी पसंद थे और मुझे भी। अल्लाह के बाबा एक लेने गए थे और कितने लेके आ गए हैं तो वो बड़े पत्तों वाला। तो व्यूअर्स, बाबा ने इसलिए ये सारे लिए है क्योंकि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारते जी। सही बात है। और समीउल्लाह का मुझे जो है ना प्लांट का बहुत शौक है। ये गेंडे का, ये न्याजबो का, ये लैची का, ये भी गेंडे का, ये डिफरेंट है। तो चलो एक लेने, इसका मतलब है एक लेने गए थे और छे छे। हाँ जी, एक लेने गए थे। कैसी है ना माशाल्लाह, जो किस्मत में चीज होती है वो मिल के रहती है, अल्लाह ताला वो देखता जरूर है। ये गेंडे वाला और मेरा ना दिल कर रहा था सब लेने का ना, उसकी जब मैंने रेडी पे देखे है ना तो पौधे मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने आपको पहले भी बोला है मुझे प्लांट का बहुत शौक है, तो मैंने उसकी रेडी पे देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो अभी मैं एक लेने लगी थी और मुझे इतने सारे अल्लाह ताला ने दे दिए, शुक्र है अल्लाह ताला का, मुझे अच्छे लग रहे हैं अब बड़े। जब मैं कराची में रहती थी तो तब तो मेरे पास इतना ज्यादा प्लांट था ना घर में, तकरीबन 20-25 थे। हाँ जी, पौधे जो है हमने रखे हुए थे, तो इतना तो बस समी की वजह से कुछ बाद में फिर खत्म कर दिए। समीला मिट्टी खाता था, समीला जाके ना गमलों में से ना उठा उठा के मिट्टी खाता था, तो इसके पेट में हो गए कीड़े, इस वजह से हमने खत्म कर दिए। खत्म खुद नहीं बल्कि हमने किए थे, हम ना आगे पंजाब तो वहाँ पे पीछे से किसी ने पानी नहीं लगाया, दे के तो आए थे जो ओनर थे घर के, तो उनको चाबी दे के आए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पानी नहीं लगाया तो वो खत्म हो गए। अभी हमारा बन चुका है, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। इसके अंदर जो है ना सबल धनिया बस मैंने डालना है, तो ये मैंने वो भी डाल दिया है। तो बस अभी जो है ना यहाँ पे ना जुम्मे की अजाने भी हो गई है, तो आज की वीडियो का यही बैंड करती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।